हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप लोग? जैसा कि विंटर स्टार्ट हो चुका है और स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, काफ़ी रफ़ हो जाती है। इनफैक्ट जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको प्रॉब्लम तो होती ही है, एंड विंटर में हर स्किन टाइप पे प्रॉब्लम होती है। हर किसी को स्किन ड्राई फील होता है, रफ़ फील होता है, बहुत वाइट एंड ईचिंग एंड रेडनेस वाली प्रॉब्लम होती है। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपको स्किन केयर कैसे करना है जिससे कि स्किन हमेशा सॉफ्ट लगे। तो एक आप अच्छा फेस वॉश यूज़ करने के बाद फेस मिस्ट ज़रूर यूज़ करें। फेस मिस्ट क्या काम करता है कि स्किन को ज़्यादा देर तक हाइड्रेट करके रखता है, और ये वाटर बेस होने के कारण स्किन पे बहुत जल्दी ये एब्सॉर्ब होता है। तो स्किन हमारी ग्लो भी करती है और साथ ही ये हाइड्रेट करके रखता है। एंड साथ में एक ऐसा मॉइस्चराइज़र लेना है जो कि काफ़ी अच्छा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हो, और जिससे कि आपको फेस में चिपचिपाहट भी ना लगे और आपका स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो, जो लॉन्ग टाइम तक आपके स्किन को मॉइस्चराइज करके रखे। सो प्रॉपर आपको एवरी डे एंड नाइट फेस मिस्ट एक अप्लाई करना है फेस पे, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र लेके फेस में प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको लगाना है, चाहे आप नाइट में हो चाहे वो डे में हो, जिससे कि आपका स्किन ड्राई नहीं होगी, क्रैक्स नहीं होंगे और साथ ही साथ हेल्दी होगा, काफ़ी प्लम्पी होगा। तो इसके लिए आपको एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। इसके बाद सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, SPF 40, SPF 30, आप इस टाइप से कोई सा भी आप सनस्क्रीन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आप धूप में जाते हैं, जो यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज जिससे कि स्किन में और एजिंग प्रॉब्लम आती है, उससे वो आपको बचाएगा, टैनिंग नहीं होगी, क्योंकि विंटर में डेफिनेटली आप लोग ज़्यादा धूप में जाना हमें अच्छा लगता है। तो ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो बहुत अच्छे से उसको अच्छे अमाउंट में लेकर फेस पे उसको अप्लाई करना है। और ट्राई कीजिए ऐसा SPF लें जिसमें UVB एंड UVA दोनों प्रोटेक्शन लेयर हो, और जिससे कि हमारे स्किन अच्छे से एक प्रोटेक्ट रहे, चाहे वो ब्लू रेज हो चाहे वो हार्मफुल यूवी रेज हैं, इससे प्रोटेक्ट रहे। और मैंने जो ये आपको ये प्रोडक्ट शेयर किया है, ये तीनों प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा वैसे नॉर्मली भी ड्राई स्किन है, और ये लगाने के बाद बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि मेरा स्किन ड्राई है। और आप देख रहे हो आफ्टर मेकअप कोई चिपचिपाहट फेस में नहीं दिख रहा है और ना ही ड्राई दिख रहा है, बहुत हेल्दी लग रहा है। और ये फेस मिस्ट जो मैंने यूज़ किया है, ये स्किन फॉर्मूला 9 का रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट है। इसमें बल्गेरियन रोज़ एक्सट्रैक्ट यूज़ हुए हैं, मिनरल्स यूज़ हुआ है, सी वाटर यूज़ हुआ है, जिससे कि यह स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है एंड धीरे धीरे ग्लो भी लाता है। और ये आफ्टर मेकअप भी आप बार बार इसको स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि स्किन अच्छी हो। और सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया है वो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम यूज़ किया है स्किन फॉर्मूला 9 का ही, और ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो कि एक ड्राई स्किन को नॉर्मल में ये कन्वर्ट करके देता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और इसमें यूज़ हुआ है मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, स्किन पे लॉक करके रखता है। साथ ही कोकोनट ऑयल, मैकेडेमिया नट ऑयल यूज़ हुआ है जो कि सूद करता है स्किन को। और सनस्क्रीन ये अश्योर नेचुरल का कैटेगरी में से ये प्रोडक्ट है, और बहुत अच्छा, ये तीनों प्रोडक्ट आप विंटर के लिए बेस्ट है जो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।